हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप जानते हैं सरहद पर इस वक्त तनाव जारी है, लेकिन सरहद पर भारत चीन तनाव को लेकर यहां जमकर सियासत हो रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक ट्वीट पर राजनीतिक बवाल मच गया है। बीजेपी ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चीन और कांग्रेस मिलकर मोदी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। भारत चीन सीमा पर फौजी देश की आन बान शान की रक्षा में जुटे हैं, लेकिन सियासत के गलियारों में अलग ही लड़ाई चल रही है। ताजा विवाद शुरू हुआ है चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक ट्वीट के बाद। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि बॉर्डर पर तनातनी के बीच पीएम मोदी और बीजेपी काफी तनाव में है। इस तनाव की वजह से कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहती है। ग्लोबल टाइम्स के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए सीधा सोनिया और राहुल गांधी पर हमला बोला। जवाब में कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी पर सवाल उठाया। कौन निर्णय ले रहा है? आज चाइनीज सरकार ने स्पष्टतः कहा है कि भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को झकझोरने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और वो झकझोरने का प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी चालू रखी है। मतलब चाइना बाहर से अटैक करने की कोशिश, जिसको कि हम थॉट कर रहे हैं, जिसको कि हम नाकाम कर दे रहे हैं, और घर के अंदर हिंदुस्तान के सरकार को झकझोरने, जिसको अंग्रेजी में कोट अनकोट उन्होंने शेकिंग कहा है, सरकार को हिलाने और गिराने की कोशिश चीन के साथी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। विपक्ष का और क्या काम होता है? सरकार को सही मुद्दे उठाकर झकझोरने का ही काम होता है। ग्लोबल टाइम्स की ही अगर संबित पात्रा जी बात करना चाहते हैं तो गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान ग्लोबल टाइम्स तो सरेआम लिखती थी कि मोदी जी की पार्टी को ही जीतना चाहिए गुजरात में, क्योंकि चीन ये चाहता है। वो प्रेम क्या कहलाता है? वो रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई चीन से इश्क और मुश्क तक पहुंच गई। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। आप देखिए, जब इश्क होता है तो आंखों ही आंखों में बात होती है और पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि इश्क हुआ है, और जब मुश्क अर्थात खुशबू और सुगंध फैलती है तो केवल फूल तक ही वो सुगंध नहीं रहता है, पूरा विश्व जान जाता है कि कहां ये गुल खिला है। तो आज ये जो गुल खिला है चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच, ये जो इश्क हुआ है, इस इश्क और मुश्क को छुपाए भी कोई छुपा नहीं सकता है। 18-18 बार आप मिले उनसे जाकर, झूले आप झूले उनके साथ, चाय की चुस्कियां आप लें उनके साथ, और देश के हितों का सौदा आप करें उनके साथ, और सवाल हमसे पूछेंगे। देश तो जानना चाहता है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी चीन के मामले पर मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने राजनाथ के चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत को लेकर कई सवाल उठाए। देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा, क्या उन्होंने दो टोक अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के LAC के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या उन्होंने सख्त अल्फाज में चीन के रक्षा मंत्री की आंखों में आंख डालकर कहा कि आपने हमारे भारत के 20 सिपाहियों को जान से मारा, हम इसका कंडेम करते हैं और अपनी फौज को हटाना पड़ेगा? ये सब स्टेटमेंट में नहीं है।